हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैगी बना के खाने वाला हूँ। मैं मैगी कैसे बना के खाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 पैकेट मैगी के लिए हैं, एक टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, आधा प्याज, एक हरी मिर्च और अमूल मक्खन। आप अमूल मक्खन की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, मैं इसमें 1/4 मक्खन डाल दिया है। अब इसे गर्म होने पर मैं इसमें ये ऑनियन डाल दूंगा। अब ये गरम हो गया है मक्खन, इसलिए मैं ये ऑनियन डाल रहा हूँ। ऑनियन फ्राई हो रही है, इनको ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम ये कटा हुआ बारीक एक टमाटर डालेंगे और ये एक हरी मिर्च। अब आप इसमें 1 गिलास पानी डाल सकते हैं, डालेंगे पानी आप अपने अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी डाला है इसमें। अब इसमें बॉईल आने पर मैं इसमें मैगी डाल दूंगा। मैगी डाल दूंगी, आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके घरों में गिलास का साइज अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। देखिए, जो पानी मैंने डाला था वो सारा अब्जॉर्ब हो गया है और मैगी लगभग बन चुकी है। और देखिए कितना अच्छा बना है, ये आप देख सकते हैं। एक बार आप भी जरूर ट्राई करना अपने घर पर। देखिए, मैगी बनकर तैयार हो गई है, पानी सारा अब्सॉर्ब हो गया है और मैगी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, मैगी आपस में चिपकी भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बनी है। मैगी खाने के लिए तैयार है।